हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मेरी बेटी का ना फर्स्ट डे है और अभी वो सो रही है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ तैयार करने। अभी तक मैं कर रही थी, टिफिन बना रही थी, क्योंकि मुझे पता है ना वो उठती है ना तो रोती है, छोटी है ना। तो आज फर्स्ट डे है, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और लाइक कर देना इसको, तो लाइक कर देना, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और मेरी बेटी का बैग ये देख लीजिए, ये बैग है। और मैंने ना रात में हम लोगों ने तैयार कर दी थी, क्योंकि मुश्किल होता है दो दो बच्चों को तैयार करना, है ना। तो रात में ही मैंने बैग तैयार कर दिया था टाइम टेबल के हिसाब से। और ये रहा टिफिन। ठीक है, टिफिन में मैंने दिया है पराठा, मैं आपको दिखा देती हूँ। टिफिन में मैंने दिया है पराठा, एक छोटा सा पराठा दिया है, ये देख लो। और ग्रेप्स दिए हैं, और इसमें है आलू की सब्जी बिना मिर्ची वाली। ठीक है, तो और ये मेरी बेटी की बॉटल है, वो रख देते हैं। देखते हैं कि बच्चे का पहला दिन कैसा जाता है। सबको तैयारी कर देती हूँ, नहीं मैं भूल जाऊंगी तो फिर परेशानी हो जाएगी। ये बैग है और ये है पिंक कलर की बोतल, ये बहुत अच्छी बोतल है, सैलो कंपनी की है। ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये देखो, ये बहुत अच्छी है। हमेशा मैं मिल्टन खरीदती हूँ, इस बार मैंने खरीदा है सैलो कंपनी। ठीक है, और वीडियो में ना बने रहना, मैं अब जा रही हूँ बेटी को उठाने। ठीक है, और बड़ी बेटी को वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी, क्योंकि ना उस समय पर इतना लेट हो रहा था, 7:30 बजे का टाइम है ना, तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, और लोग बनी रहिए। दोस्तों, बेटी को नहला धुला के तैयार कर रही हूँ, और यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है डेली। तो आप लोग ना प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि छोटे बच्चों को नहलाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि आज फर्स्ट डे है बेटी का और 2-3 दिन हो गया बेटी को स्कूल जाते हुए, और डेली ना नहला रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मौसम चेंज है, चेंज की वजह से पता नहीं नहलाना चाहिए कि नहीं। वैसे तो नहाने से अच्छा ही होता है, एनर्जी आ जाती है नहाने के बाद, मगर मेरी बेटी को ना बुखार चढ़ जा रहा है। तो पूरा अभी भी इस समय पे भी ना बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार चढ़ा है और आराम नहीं मिल रहा है। तो मैं समझ में नहीं, बैग में टांग लूं, थक गए, मुझे डॉक्टर के पास शायद जाना पड़ेगा, क्योंकि चलो हम चलते हैं। दवाइयाँ वैसे खांसी बुखार नॉर्मली रखी रहती है, आई थिंक सबके घर में रखी रहती होंगी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के घर में सबके यहाँ पे रखी रहती हैं। तो ये देख लीजिए, बस निकल, चलो बेटा। ये मैंने बेटी को थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी मैंने पकड़ रखा है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बैग है, अरे बैग में एक बुक है और एक टिफिन है बस, और बॉटल है बस, बाकी मैंने पकड़ा है। दोस्तों, बेटी को छोड़ने जा रही हूँ, छोटी बेटी को, और यहाँ पे देख लीजिए बारिश स्टार्ट हो गई है। और जब बड़ी बेटी को 7:30 बजे छोड़ने गई थी तब भी स्टार्ट हो गई थी बारिश, मगर उस समय पर बारिश जैसे ही निकले वैसे ही बारिश शुरू हो गई थी, मगर थोड़ी सी हुई फिर बंद हो गई थी, मगर यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो गई है। देख ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हो गई है बूंदाबांदी, और बस ये आ गया है स्कूल। यहाँ से बच्चों को छोड़ के निकलूँगी, बस आप देखिए बच्चे का वेलकम कितना अच्छे से हुआ है, इंजॉय कैसे कर रहे हैं बच्चे। ये इसका बेटी का लगा लो, आप भी आ जाओ।
यहाँ पे दोस्तों आते ही लग गई मैं यहाँ पे काम में, क्योंकि बेटी को ना लेने भी जाना है, 12:30 छुट्टी होती है। और बेटी ने आपने देखा ना, मैंने आपको पूरा फुल वॉच करवाया है, पूरा फुल दिखाया है। बेटी ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा, स्कूल जैसे ही आया वैसे ही चली गई बेटी। और वेलकम हुआ था बहुत अच्छा। ये मैम ये नया नया शुरू किया है, हर स्कूल में मेरी बड़ी बेटी जब जाती थी तब उस समय पे ऐसा नहीं हुआ था। और बहुत अच्छा लगा देखकर, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मगर मेरी जाने के बाद बेटी बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। अभी डेली जा रही है, 3rd दिन है, तो डेली 1.5 घंटा 1 घंटा रो रही है। तो मैम ने बोला है कि जल्दी आ जाया करिए मैम, क्योंकि बेटी बहुत ज़्यादा रो रही है। अभी छोटी भी है मेरी बेटी बहुत। और प्ले क्लास में मैंने नहीं भेजा है, क्योंकि आपको पता था उस समय पे बीमारी थी कोरोना की, वैसे ख़त्म हो चुकी है, मगर मैंने नहीं भेजा, डर लगता है ना, सबको डर लगता है। और यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ सफाई, और मेरी गद्दे की हालत आपने देखी है क्या है। और मेरी यहाँ पे तबीयत भी ख़राब चल रही है, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, फिर भी कमर पकड़ पकड़ के धीरे 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 मैं काम कर रही हूँ। यहाँ तो मैं स्पीड बढ़ा रखी है तो आपको लग रहा होगा जल्दी जल्दी, बहुत धीरे धीरे काम कर रही हूँ, झाड़ू पोछा। और उसके बाद मैंने आपको नहाने के बाद की वीडियो यहाँ पे नहीं दिखाया, क्योंकि ना टाइम हो गया था, 12 बज गया था, मुझे निकलना था बेटी को लेने के लिए। और गई थी तो मेरी बेटी सो गई थी, मैडम ने ले रखा था, कंधे पे ले रखा था, सो गई थी। अभी आदत नहीं है ना बेटी की। और यहाँ बाथरूम का भी दिखाया, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा बाथरूम गंदा था, रगड़ रही हूँ जल्दी जल्दी, फटाफट से हो रहा है कि जितनी जल्दी जल्दी से काम कर लूँ फटाफट। इसके बाद मुझे नहाना है, हेयर वॉश, इसके बाद मैंने बाथरूम भी धोया था अपना, दोनों बाथरूम धोया था और हेयर वॉश किया है, मगर मैंने आपको दिखाया नहीं है, क्योंकि ना लेट हो जाता सब दिखाती तो, क्योंकि सेट करना पड़ता है, आप लोगों को तो पता ही है। बस हमारा घर पूरा साफ़ हो चुका है, सुथरा हो चुका है। और मैं अब मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी।